तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है, सोए सोए भी हम थक गए, लेकिन यहाँ पे बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और यहाँ पे अभी एक मेला होने वाला था, बट उस मेले के लिए यहाँ पे पब्लिक तो आ चुकी है, बट ये बारिश कंटिन्यू है। बारिश रुकेगी तो मेला होएगा, अदरवाइज तो। वैसे तो दोस्तों हम आए थे यहाँ पे ट्रैक करने और यहाँ पे मेला देखने, बट यहाँ पे अभी तक कोई हरकत नहीं हुई है क्योंकि 11 बज चुके हैं और पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात फुल नाइट यहाँ पे बारिश हुई है एंड अभी तक यहाँ पे बारिश लगी हुई। पर एक बात बताऊँ, यहाँ का जो व्यू है ना अल्टीमेट, आप देख पा रहे होंगे सामने क्या खतरनाक मीडोस और हल्की हल्की बारिश, और ये रही ट्रेल। क्योंकि शूज़ मैं लगाए नहीं, मैं नंगे पैर ही यहाँ आया हूँ मुँह धोने। वाह भाई, बहुत ही प्यारा ट्रैक और बहुत ही प्यारी लोकेशन पे आपका भाई पहुंचा हुआ है। बट सीन ये है, ये बारिश कब बंद होगी, यानी अब कब बंद होगी बारिश, जब भी होगी तभी हम अपना आगे का ट्रैक जो बचा है वो कंप्लीट कर पाएंगे। और दूर दूर तक इस साइड टॉप एरिया है और मंदिर भी इसी साइड है, बट कुछ नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी देर के बाद अभी बरसात बंद हो चुकी है और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है यहाँ सामने एकदम। लो भाई जी, टॉप का थोड़ा नज़ारा ले लो। और दोस्तों जो यहाँ पे मेला लगने वाला है, ये देखो कितनी सारी पब्लिक यहाँ पे आ पहुँची है। अभी बारिश में भाई ये लोग सब चले हुए थे बेचारे, हम तो कल नाइट को यहाँ पहुँच गए थे और अभी यहाँ पे मेला लगने वाला है। चलते हैं आपको थोड़ी देर में वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं, कैसे कैसे मेला यहाँ पे मनाया जाता है, चंडी माता का मेला ये। फिर जितेंद्र भाई कैसा है ट्रैक, चला है तुम्हारा? अच्छा चला है, आपका कैसा रहा? मेरा भी बहुत बढ़िया। तो ये अपना नज़ारा है कांठीधार का, कांठीधार बहुत मस्त धार है। ये हमारी पुराने जमाने की धार है, पुराने जमाने की। ओके, हमारे दादे परदादे इधर आए हुए थे। अच्छा अच्छा, ये हमारी धार है, आप व्यू दिखाएंगे। व्यू बहुत सेक्सी, बहुत सेक्सी व्यू है ब्रो, ऐसा व्यू मैंने शायद ही पहले कभी देखा हो। वाह भाई वाह, तो चलते हैं अभी आगे की ओर, क्योंकि हमारी अभी पैकिंग वैकिंग हमने कब से कर ली थी और अभी निकल रहे हैं वापसी की ओर। तो ऐसा ट्रैक एक दो मतलब हफ्ते के बाद हो जाना चाहिए, एक तो बंदे की फिटनेस भी आ जाती है एंड थोड़ा सुकून भी मिल जाता है। नहीं यार, ऐसा कुछ ट्रैक देख पा रहे होंगे सामने आप, ऐसा नज़ारा है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत है यार।
तो अभी मैं आ चुका हूँ उस मेले के बिल्कुल नज़दीक और यहाँ पे बिल्कुल डांस हो रहा है लोकल, है ना। अभी मैं जा रहा हूँ अकेला ही क्योंकि सब भाई पीछे हैं, तो मैं अकेला ही आ गए चलते हैं जी, आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। और बहुत तगड़ा मेला हो रहा है भाई टॉप पे। तो यहाँ पे हो रहा है जी डांस लोकल कल्चर वाला, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने कितने ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक है अभी और नाच रहे हैं। और यहाँ पे लगा है जी साइड लंगर, जो भी यात्रु आए हुए यहाँ पे खाना खाने सब गए हुए हैं, सब खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है ना। तो मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ अकेला, मेरे भाई लोग सब पीछे रह गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनके दोस्त मिल गए तो उनसे गप्पे लड़ा रहे हैं, तो जैसे वो आते हैं फिर हम भी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी पूरी रात बारिश हुई है एंड सुबह से अभी 12-1-2 बजे का टाइम है और सुबह से भी बारिश लगी हुई है। पूरे कपड़े वपड़े भी हमारे गीले हैं, शूज़ वगैरह सब गीले हैं, टेंट वेंट सब गीले हैं, तो इनको भी सुखाना पड़ेगा नीचे धूप में जाके। बाकी सुनने में आया नीचे रास्ता भी ख़राब हो गया है जहाँ हम गाड़ी लेके आए थे, तो देखते हैं हमारी गाड़ी निकल पाती है कि नहीं, बाकी ऊपर वाले पर अभी डिपेंड है। चलते हैं अब आपको थोड़ा डांस दिखाते हैं लोकल। यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें भी लगी हुई हैं। तो अभी मेला वगैरह हमने देख लिया है, तो चलते हैं लंगर की ओर, थोड़ा खा पी लेते हैं, कुछ भूख भी बहुत लगी और टाइम भी बहुत हो गया है, इतने में मेरे दोस्त भी आ जाएंगे, तो मिलते हैं आपको आगे फिर। Gel 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 g
तो लो जी यहाँ पे अभी पिच बनाई है लड़कों ने और क्रिकेट भी चल पड़ा। ओ भाई साहब यहाँ तो अभी फुल पावर क्रिकेट चलेगा मीडोज में। तो अभी पहुंचने वाला हम वापस गाड़ी के पास, कोई 10 मिनट का ट्रैक हमारा बच चुका है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं। गाड़ी की हालत वैसे बहुत ख़राब हो रखी है, अभी रोड की कंडीशन पता नहीं कैसी होगी, जाके ही पता लगेगा। और तो ऐसी कुछ ट्रेल है जहाँ पे हम चले हुए हैं अभी। और वो रही हमारी गाड़ी जी, काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँच चुके हैं नीचे। और ये रोड है जी, तो दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूं भाई जी के घर से और मैं अभी आ चुका हूं 50 किलोमीटर। वो मैं जा रहा हूं अभी किश्तवाड़, और किश्तवाड़ का डिस्टेंस था वहां से 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर मान लो आप। और मैं अभी ऑन दी वे हूं, 45 किलोमीटर मैंने निकाल दिया है और अभी टाइम हो गया है 7:30 का, मीन्स के 9 बजे तक मैं भाई जी के पास पहुँच जाऊँगा। भाई जी मेरा किश्तवाड़ में वेट कर रहे हैं, जिनके पास आज मेरा स्टे है, मेरे दोस्त हैं। तो बिल बताता हूँ आपको भाई जी से भी और निकलता हूँ अपनी मंजिल की ओर। और ऐसा कुछ नज़ारा है शाम के टाइम, और गाड़ी की कंडीशन थोड़ी खराब है, इसको जाके वहीं धोऊंगा। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं किश्तवाड़, और अभी भी मुझे यहां से आधा घंटा पौना घंटा, मतलब अभी भी ये मेरे को यहां से 1 घंटा और लगने वाला है, क्योंकि मैं जाऊंगा यहां से 40 किलोमीटर और आगे, वहां पे मेरा दोस्त यहाँ पे वेट कर रहा है शत्रु में, उस जगह का नाम है शत्रु। बस अभी यहाँ से थोड़ा मैं डीजल डलवाऊंगा गाड़ी में और फिर निकल जाऊंगा शत्रु की ओर। तो अभी मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूँ किश्तवाड़ में, और यहाँ से अभी गाड़ी की हालत थोड़ी गंदी है, सुबह धोएंगे इसको, टैंक फिल करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरे टैंक में ज़्यादा तेल नहीं है, मीन्स के आधी टैंक खाली है, आधा है, तो खुलवा लेते हैं, आगे मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। तो अभी मेरी गाड़ी में आ चुका है 1750 रुपये का डीजल, और ऑलरेडी टैंक था इसमें डीजल। तो मेरा डिस्टेंस अभी थोड़ा ही बचा था, बट यहाँ पे रोड पे लगा है जी काम, और ये गाड़ी भर रही है मशीन। 15 मिनट हो गए मेरे को खड़े खड़े, उधर भी गाड़ियाँ 3-4 खड़ गई और मेरे पीछे भी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो देखो कब खोलते हैं, जब खोलते हैं तभी निकलेंगे यार, मेरे दोस्त आगे वेट कर रहे हैं मेरा। अभी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है, 5-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस, जाते ही मिलता हूँ आपको। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं भाई के पास। सुनील भाई कैसे हो? बस भाई ठीक। बढ़िया हो? बढ़िया। तो ठीक है दोस्तों, भाई के पास अभी खाना पीना खाएंगे तो रेस्ट करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।